एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। 4, 13, 22 या 31 को अगर आप जन्मे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, ये साल आप ही के फैमिली ऑफ नंबर्स में है, यानी कि आपके लिए ये बहुत अच्छा साल होगा। 1, 2, 4, 7 जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4 and 7 आर वेरी पैली विद ईच अदर। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस साल लोग आपको ज्यादा गलत नहीं समझेंगे, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों के साथ थोड़ी कम हो जाएंगी, उनको समझ में आएगा जब आप बोलते हो। एंड आप भी कुछ कम नहीं हो नंबर फोर्स, थोड़ा तो प्रॉब्लम आप में भी है, आप भी तो लोगों को इरिटेट करने से बाज नहीं आते हो, शायद इस साल आप भी थोड़ा शांत ही रहेंगे। इस साल आपका दिलदार एंड स्पिरिचुअल नेचर पीक पे रहेगा। आपको ह्यूमैनिटी हो या पेट्स हो, इन सब के लिए बहुत दर्द होता है। इनफैक्ट यू आर वेरी गुड एनवायरमेंटलिस्ट आल्सो। इस साल स्पेशली अगर आप किसी ना किसी दान पुण्य के काम में काम करते हो, किसी एनजीओ में काम करते हो, या किसी भी तरीके के आप डोनेशंस वगैरह के साथ जुड़े हुए हो, लोगों के लिए काम करने में जुड़े हुए हो, तो आपको खास करके इस साल बहुत अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। एट द सेम टाइम वो लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेलीपैथी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी के साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा साल होने वाला है। ये साल आपके सब रुके हुए काम हो जाएंगे, जो भी ब्लॉकेजेस अननेचुरल आपके लाइफ में बिना मतलब आती रहती हैं, कंपैरेटिवली दिस ईयर योर बोट विल सेल थ्रू मोर इजीली। इस साल वैसे आपकी बैंड भी बच सकती है, मेरा कहने का मतलब है आपकी शादी हो सकती है, बैंड बाजा बारात वाली बैंड। एंड अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अब तक आपको मिला नहीं है, सो मेक श्योर ही और शी बिलोंग्स टू योर फैमिली ऑफ नंबर्स, दैट इज 1, 2, 6 and 7। और पंडित जी से डेट लीजिए मत, इस बार पंडित जी को बताइए हमें 1, 2, 6 and 7 पे डेट पे शादी करनी है, और हमें कृष्ण पक्ष में नहीं शुक्ल पक्ष का डेट दीजिए, व्हेन द मून इज राइजिंग, दोस 15 डेज में हमें शादी करनी है। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली आस्क द पंडित जी, ये डेट्स हैं, ये पीरियड है, और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं पंडित जी को पैसे दे दीजिए, मम्मी डैडी को वही डेट बता देंगे। जो लोग बच्चा प्लान कर रहे हैं, ये साल आपको वो भी हो सकता है। 4 and 8 ये दो नंबर्स को बच्चा होने में तकलीफ होती है, सो ऑल यू विमेन स्पेशली ऑफ नंबर 4, इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, प्लीज गो टू इंस्टाग्राम एंड सी माई रील स्पेशली मेड फॉर चाइल्डलेस कपल्स। ये साल आपका काम हो सकता है, वो दो चार टिप्स जो मैंने वहां बताई हैं वो फॉलो कीजिए। शादी, गाड़ी, बंगला, बच्चा, प्रॉपर्टीज, सोना चांदी, हर चीज आपके पास आ सकती है, जिसकी तमन्ना आप बहुत दिनों से कर रहे हो वो सब चीज आपको मिल सकता है। अब ये सब कैसे मिलेगा आपको? सो जाने से, रिलैक्स करने से? जी नहीं, दुगना काम करने से। एंड आई नो यू आर अ परफेक्शनिस्ट, आई नो आप बहुत स्लोली अपने सब काम करते हो, परफेक्शनिस्ट के लिए स्लोली के लिए वो साल रखिए। एंड 8 इज ऑल्सो अ वेरी स्लो ईयर, इस साल फटाफट काम करो, डोंट वेस्ट टू मच टाइम, नेक्स्ट ईयर वेस्ट योर टाइम एंड प्लान एवरीथिंग। ये साल हमारे क्लाइंट राजकुमार राव के लिए भी खास हो सकता है, सो ऑल्सो फॉर हुमा कुरेशी एंड कार्तिक आर्यन। 5, 14 या 23 को अगर आप जन्मे हैं तो आप हैं नंबर 5। नंबर 5 मर्क्यूरियल होता है, यानी कि इसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है, ये साल आपकी थोड़ी कम चलेगी। 7 नंबर स्लो है, सब कुछ चाहिए ना दुनिया में, हर एक चीज तो हमें मिल नहीं सकती, सो ये साल थोड़ी धीमी गति से आप प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन आप हो नंबर 5, आपको क्या टेंशन, आप हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हो। और अगर आपका बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है, शायद ऐसी वादियों में आके आप कोई बिजनेस खोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपको ब्रेक मिल रही है दुनियादारी से, यू कैन एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आई विल टेल यू अबाउट परमहंस योगानंद जी, आज तक बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, ही वॉज बॉर्न ऑन 5th ऑफ जनवरी,
तो जितनी शिद्दत से आप नोट छाप सकते हो, जितनी शिद्दत से आप योगा एंड मेडिटेशन भी कर सकते हो, इस साल आपको अपनी लाइफ एंड अपनी ही वाइफ पे फोकस करना चाहिए। ज़्यादा वॉलेटाइल साल होने की वजह से फाइनेंशियली थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वही अप्स एंड डाउन्स आप घर पे मत लेके आइए। सो एज इट इज़ फाइनेंशियली लो ईयर है, फिर आप गड़बड़ करोगे और घर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, आपके लिए डबल ट्रबल हो जाएगा, ट्रैवल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस साल शायद आप दुबई या सिंगापुर के बदले जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार। यहाँ मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि ऋषिकेश एंड हरिद्वार ऑल्सो विल क्रॉस देयर ऑल टाइम हाइज एंड पूरा फुल रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू गो टू दीज सिटीज क्योंकि योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, ऐसे टाइप के नेचर सब कुछ बहुत डिमांड में रहने वाले हैं। इसीलिए शायद हम भी जल्दी से आ गए बिफोर ऑल द होटल्स आर फुल। द शार्पनेस ऑफ अ मर्क्यूरी पर्सन यानी कि नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं। वो तेजी इस साल दिमाग में बरकरार रखिए, लेकिन ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी पे अपना थोड़ा काबू रखिए क्योंकि नंबर 5 आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन एंड मोस्ट ऑफ देम इवन विजिट अ साइकियाट्रिस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम एटलीस्ट, लाइक अवर वेरी ओन दीपिका पदुकोण हु इज अ नंबर 5 एंड वी ऑल नो हर स्ट्रगल विद मेंटल इलनेस। आप लोग भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं नंबर 5, स्पेशली इन लोगों के म्यूजिक सेंस जबरदस्त होती है, जैसे मेरे फादर इन लॉ SN त्रिपाठी बहुत पुराने संगीतकार थे फिल्म इंडस्ट्री के। जरा सामने तो आओ छलिया, ये गाना उन्होंने बनाया है, ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का सुरूर हूँ, ये गाना भी उन्हीं का था। ऑल्सो राज कपूर अनदर नंबर 5। आमिर खान की पिक्चरों में गाने अच्छे ही होते हैं। करण जौहर जेमिनी नंबर 5 हैज गिवन वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स टू बॉलीवुड। अगर आप एंटरटेनमेंट या सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो ये साल आपके लिए खास जा सकता है बिकॉज दिस ईयर इज फॉर म्यूजिक, डांस थेरेपी, एक्टिंग, ड्रामा, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े रहिए। पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक अगर आप एज अ प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट एज अ हॉबी आपको ये करना चाहिए। माई टिप फॉर यू दिस ईयर इज खाली समय आपकी जिंदगी में एक क्षण का भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कीप योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली बिजी। 6, 15 या 24 को जन्मे लोग कहलाते हैं नंबर 6 और आप जानते हो आपको रूल करता है प्लैनेट वीनस यानी शुक्र। 2022 मुझे पता है आपका काफ़ी अच्छा गया ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी गया है तो याद रखिए कि पैंडमिक चला गया, पैंडमिक का फियर चला गया, चाहे कोविड गया हो या नहीं गया हो, लेकिन पैंडमिक का फियर हम में से निकल गया। मास्क चले गए, लोग अभी इतने फिनिकी नहीं हैं क्राउडेड एरियाज में, बहुत कुछ अच्छा हुआ है 2022 में। आई होप आपके सब अच्छे काम हुए होंगे लास्ट ईयर, अगर नहीं भी तो ये साल कुछ खास बुरा नहीं है, ये साल भी आपके काम हो सकते हैं स्लोली एंड स्टेडली, नॉट एज फास्ट एज 2022 में भी, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली आप अपनी मंजिल पर इस साल भी पहुंच सकते हो। आपका ये साल जाने वाला है नए रिश्ते बनाने में और पुराने रिश्ते बनाए रखने में। सरप्राइजिंगली वर्क प्लेस भी आपका काफ़ी स्मूथ जाएगा और कलीग्स के साथ जो हर साल आनाकानी रहती थी, इस साल काफ़ी स्मूथ रहेगा सब कुछ। वैसे भी कौन सा साल आपका क्या बिगाड़ सकता है, ये साल भी कुछ देकर ही जाएगा। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट मैरिड लास्ट ईयर नंबर 6 वाले, जिन लोगों की नहीं हो सकी ये साल होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। आप में से जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप लोगों के लिए ये साल खास रहेगा एंड आप अपने करियर के शिखर पर पहुंच सकते हो। फाइनेंशियली कुछ खास नहीं होने वाला है, लेकिन बुरा भी नहीं होने वाला है। आपको वैसे हर साल फजूल खर्चे पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस साल खास करके कुछ ज्यादा, नहीं तो यू विल बी एग्जॉस्टिंग योर सेविंग्स एंड वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से मई जून से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी हो सकती है। अपने पार्टनर या स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ज़्यादा शक ना करें, जो चीज़ अपनी है कहाँ जाएगी और जो चीज़ अपनी नहीं है वो कहाँ रहेगी हमारे पास। बस एक लव मैटर्स में ही आप लोग मार खा जाते हो, बाकी सब एरियाज आपके बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लेते हो। ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव होने की वजह से
आपके पार्टनर्स या लोग आपके आसपास के आपका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इस साल जरा सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। मेरे ख्याल से देवदास भी नंबर 6 ही होंगे, क्योंकि लव ने उनको भी बर्बाद कर दिया था। तो इस साल थोड़ा दिल से कम और दिमाग से ज्यादा काम लीजिए। 5, 6 और 7 ये तीन लोग बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। आप 6 हो, साल 7 है, तो इस साल थोड़ा ज्यादा ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी बुरी चीज आप ना करें, चाहे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या ओवर ईटिंग की एडिक्शन, वो भी आपके लिए खराब हो सकती है। सो कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर इमोशंस दिस ईयर। नंबर 7 बीइंग रूल्ड बाय नेपच्यून इज रिलेटेड टू वाटर। तो इस साल कई लोग, नॉट ओनली नंबर 6 या 7, आप सबके लिए ये है, थोड़ा शराब से दूर रहिए। सो माई टिप फॉर यू दिस ईयर इज कंट्रोल योर एक्सपेंसेस।